ईद का दूसरा दिन भी यादगार, मेल मुलाकातें, दावतें, सैर सपाटे, हर सू मुस्कुराहटों और खुशियों की बहार। दोस्तों ने महफिलें सजाई, चटपटे खानों ने दस्तरखानों की जीनत बढ़ाई। तफरीही मकामात, फूड स्ट्रीट्स पर रश रहा, रात गए तक मौज मस्ती का सिलसिला जारी। पार्टी फिर भी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, शहरियों ने मीठे त्योहार के आखिरी रोज की प्लानिंग भी फाइनल कर ली। तफरीही मकामात पर मेला लगा रहा, लाहौर के जिलानी पार्क में मौज मस्ती, बच्चे तो बच्चे बड़े भी झूले लेने में मसरूफ। कराची के शहरियों का सी व्यू पर रश, साहिल समंदर की ठंडी हवा और खुशगवार माहौल से हर कोई लुत्फंदोज। नौशहरा के कुंड पार्क की रौनकें भी बहाल, नौजवान का ढोल की थाप पर रक्स। शुजाबाद, खानपुर, जलालपुर, पीरवाला, चिन्योट, डेरा गाजी खान के पार्कों में पिकनिक का समा। कसूर की सौगात, कसूरी फालूदा हर किसी को पसंद। मीठी ईद पर शहरियों की बड़ी तादाद ने कसूरी फालूदे की दुकानों का रुख कर लिया। दोस्त भी एक दूसरे की दावत करने पहुंचे, कहते हैं ईद पर अगर कसूरी फालूदा ना खाया जाए तो ईद का मजा अधूरा रह जाता है। लोहरदीर में दरियाए पंचकोड़ा के किनारे ईद मेला सज गया। स्काई व्हील, प्रेस बी, अलादीन कार्पेट, मोशन राइड समेत मुख्तलिफ इकसाम के झूले बच्चों का दिल लुभाने लगे। दरिया के ठंडे माहौल और मेले के पुरमुसरत लम्हात ने ईद का मजा दुबाला कर दिया। ईद के दूसरे दिन दामने कोह में मेले का समा, इस्लामाबाद के शहरी पिकनिक मनाने पहुंच गए। दूसरे शहरों से भी सयाहों की आमद, अपनों के साथ गुजारे लम्हात यादगार बन गए। खुशगवार माहौल के दौरान गर्मा गर्म बारबेक्यू ने ईद की खुशियां दोबाला कर दी। बरी में सयाहों के ढेरे, ईद के दूसरे रोज सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से 17 मील सुने बैंक और झीका गली, जीपीओ चौक और कश्मीर पॉइंट पर सहूलत मराकज कायम। सहूलत मराकज सयाहों को जरूरी मालूमात और मौसमियाती सूरतेहाल से आगाही फराहम करने में मसरूफ। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम भी कर लिए गए। ईद की खुशियां मनाएं लेकिन खाना एतदाल से खाएं। तिब्बी माहरीन का आवाम को मुरघन और चटपटे खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। रमजान में रोजे रखने से मैदा नरम हो जाता है। बीमारियों से बचाव के लिए तेज मिर्च, मसालों से परहेज, फल और सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। वज़ीर आज़म का ईद पर अमन अमान की सूरतेहाल पर इज़हार इत्मीनान, सियासी सूरतेहाल पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की सरदारी हाउस, नवाब शाह में मुलाकातें, अराकीन असम्बली, पीपी अहदेदारों और कारकुनों को ईद की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी से पीपी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, एमएनए शाजी अमरी, सूबाई वजीर जियाउल हसन लंजार, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह समेत दीगर शख्सियात ने मुलाकात की। कुवैत के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सबा सालिम आल सभा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाक कुवैत ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा किया। दो हजार 2023 पाकिस्तान की तारीख में महंगा तरीन साल करार। महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। एजीआई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। 2024 में पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। महंगाई 25% की ऊंची सतह पर रहने का अंदाजा। सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंजेस करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए
आर्मी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हसार करना पड़ेगा। ज़रई पैदावार और सनअती शोबे में बेहतरी आने की उम्मीद। पाकिस्तान के आइंदा माली साल शरह नमू 2.8% होने का अंदाजा। आइंदा साल गजाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। अप्रैल के बिजली के बिलों में 3.82 रुपये फी यूनिट कमी हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी का दावा। कहा रवा माह के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7.06 रुपये फी यूनिट से कम होकर 4.92 रुपये मुकर्रर हुई। मजमूई कमी सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जली ना मेमन मनशियात की रोकथाम के लिए मुतहरिक। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। मनशियात की रोकथाम, ट्रांसपोर्ट के मसाइल और दीगर उमूर पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा, तालीमी इदारों में मनशियात का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। नौजवानों को मनशियात से दूर रखने के लिए इकदाम करना होंगे। सेक्रेटरी एक्साइज और DIG हैदराबाद को फौरी इकदाम की हिदायत। कहा, चंद रोज के अंदर सूरत हाल में बेहतरी नजर आनी चाहिए। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है।